हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है। अगर अंग्रेजी का सेंटेंस इस प्रकार का हो तो हम लोग अंग्रेजी में उसको कैसे अनुवाद करेंगे या अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। जैसे सेंटेंस है कि सारा खेल किस्मत का है। हमारा दो नंबर सेंटेंस है कि सारा खेल पैसों का है, सारा खेल तकदीर का है, सारा खेल दौलत का है और सारा खेल ताकत का है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए कि इट्स, इसके बाद ऑल और अबाउट, और इसके बाद हमें लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम सभी सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारा एक नंबर सेंटेंस है कि सारा खेल किस्मत का है, तो हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कि इट्स ऑल अबाउट फेट, किस्मत। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट फेट। जैसे सारा खेल पैसों का है, हम लोग कहेंगे कि इट्स ऑल अबाउट मनी। इसी प्रकार हमारा तीन नंबर सेंटेंस है कि सारा खेल तकदीर का है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कि इट्स ऑल अबाउट। अब तकदीर को लक कहिए फेट कहिए एक ही बात होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट लक या इट्स ऑल अबाउट फेट। अगला सेंटेंस है सारा खेल दौलत का है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कि इट्स ऑल अबाउट वेल्थ। और हमारा लास्ट सेंटेंस है कि सारा खेल ताकत का, तो हम लोग इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि इट्स ऑल अबाउट पावर या स्ट्रेंथ कहिए। तो अंग्रेजी में अगर ऐसा सेंटेंस हो तो हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से अनुवाद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।